हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जुलाई का 14 सप्ताह, सावन का महीना ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। शिव शिव शिव, हर जगह शिव ही हैं इस समय। शिव ही सृष्टि के पालन और विनाशक दोनों में हेल्प करते हैं। इंसान की मृत्यु के बाद जो परमात्मा है, उसका जो कंपोनेंट है, वो शिव में ही विलीन होता है। सारे कर्मों के हिसाब से, जो जन्म में हमने कर्म किए हैं उनके हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट पर डिसाइड होता है, वो भी काउंटर शिव के पास से ही गवर्न होता है। आशा करता हूँ आप सभी का पिछला सप्ताह अच्छा रहा होगा। आपने मेरे बताए हुए कुछ रेमेडीज़ को फॉलो भी किया होगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई होंगी, बट किसी ने जो भी प्रॉब्लम आई होंगी उनसे ईजीली निजाकत प्राप्त कर ली होगी, जो रेमेडीज़ मैंने बताई। आगे आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, बात करते हैं धनुराशि के बारे में। धनुराशि के स्वामी गुरु शुभ्रता ने पुखराज, शुभ रुद्राक्ष है पाँचमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको सुधार देखने को मिलेंगे। लक्ष्य के प्रति आपका संकल्प मजबूत रहेगा। कहीं से आपको अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है। इस सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। कम मेहनत से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी नई जॉब का ऑफर आ सकता है। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। घर में सुख समृद्धि शांति के योग हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह अच्छा रहेगा, परंतु भाई बहनों के स्वास्थ्य की समस्याएं के लेकर आपको सामने उनके साथ दो चार प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। आपको इस सप्ताह किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने के योग बनते हैं। तो देखा जाए तो सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। आपको चाहिए कि आपको पीले कलर पर फोकस करना है, पीले रंग के कपड़ों पर फोकस करना है। कहीं भी बाहर जाने से पहले इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपको पीले रंग का रुमाल अपने साथ रखना है। माथे पर हल्दी या चंदन का टीका लगाना आपके लिए शुभकारी रहेगा। वृद्धों और अनाथों को केले और मिठाई का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सोने के गहने पहनना, आपको शाकाहारी भोजन और करना और अल्कोहल से मांस मदिरा से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट कार्य से जाने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लें और मंदिर में हल्दी का दान करें। ये आपके सप्ताह को अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। चाहे किसी भी राशि की कोई भी राशि हो, कोई भी महादशा, अंतरदशा, पितृदशा हो, कि कोई भी तरीके का दोष हो, योग हो, उन दोषों से बचने के लिए यदि आप मानवता के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं, अपने हृदय भाव से लोगों को क्षमा करते हैं, किसी के प्रति आप कठोर विचार नहीं रखते हैं, तो आने वाला सप्ताह ही नहीं, आपके लाइफ में जितने भी सप्ताह आगे आएंगे उन सभी को अच्छा एक अच्छा समय बनाने में आपके लिए मददगार साबित होंगे। मैं महागुरु गौरव, आने वाला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए एक शुभकारी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।